हाय फ्रेंड्स, इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेके आते हैं लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी, और अभी तक हमने जितनी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो आपको सिंपली गूगल पे लिखना है ninotronics.com, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट दिखेगी। तो जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसी एक साइट खुल जाएगी जिसमें आपको ऑल जॉब्स में जाना है। जैसे ही आप ऑल जॉब्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवऑप्स जावा रिलेटेड बहुत सी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और जैसे कि हम बात कर लेते हैं डेवऑप्स के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, और नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके आप हमारे यहाँ पे भी क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कि हम डेली बेसिस के अंदर आप सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, मिनिमम एक या दो जॉब अपॉर्चुनिटी हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट करते रहते हैं। तो याद से अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े तो आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की जॉब अपडेट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो डेवऑप्स जॉब अपॉर्चुनिटी। जो पहली जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है वो होने वाली है एक्सपीरियंस के लिए, और सेकंड जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो फ्रेशर्स के लिए। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इसके अंदर बहुत से इंसाइट्स बताने वाले हैं, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, और अगर आप डेवऑप्स फील्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो किस लेवल के आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिटी जॉब की ओर से जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो डेवऑप्स इंजीनियर की है, जहाँ पे आपकी लोकेशन जो होने वाली है वो पुणे या चेन्नई में से एक होने वाली है। तो आपको पता है सिटी एक बहुत अच्छी अपने आप में एक कंपनी है, जिसके अंदर बहुत से, अगर आप बोलेंगे कि आईटी लेवल के इंजीनियर्स बहुत लोग यहाँ इसमें काम करते हैं। और यहाँ पे आप चलते हैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की ओर। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो जिसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं डेवऑप्स इंजीनियर की, बेसिक जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो ये होती है कि जैसे हमें कोई कोड मिलता है तो वो कोड हमारे किसी एक कोड मैनेजमेंट टूल के अंदर पड़ा होता है, जब या तो आपके केस में गिटहब होगा या डिफरेंट डिफरेंट कोई एप्लीकेशन होगी, तो वहां से आपको कोड लेके आना होता है CI/CD पाइपलाइन के थ्रू। और उस CI/CD पाइपलाइन के थ्रू आप डॉकर इमेज बनाते हैं, और उस डॉकर इमेज को आपको ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, मतलब जो आपको डॉकर फाइल मिली है उसको हमें ऑर्केस्ट्रेट करना होता है। तो ऑर्केस्ट्रेशन टूल जो होता है, ओपन शिफ्ट और कुबरनेटिस दोनों ही अपने आप में ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। तो यही चीज होती है एज अ डेवऑप्स इंजीनियर अगर आप कहीं पे ऑप्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, तो इम्प्लीमेंटेशन फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन, क्रिएट डॉकर फाइल एंड ऑनबोर्ड एप्लीकेशन टू ओपन शिफ्ट, और ओपन शिफ्ट के ऊपर आपको उसे डिप्लॉय करना होगा। और बिल्ड एंड सेटअप CI/CD पाइपलाइन, क्रिएट स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट एनी मैनुअल डेवऑप्स प्रोसेस। तो कहीं पे अगर मैनुअल प्रोसेस अभी भी चल रही है तो उसको ऑटोमेट करने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ सकती है। तो स्क्रिप्ट जो होगी वो शेल स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है और पाइथन स्क्रिप्टिंग भी हो सकती है। और वर्किंग नॉलेज आपको मॉनिटरिंग टूल्स का होना चाहिए। मॉनिटरिंग टूल्स के अंदर एक टूल है जिसको हमने भी कवर किया है, वो है प्रोमेथिसियस। अगर अभी तक आपने उसके वीडियोस नहीं देखी तो वो बहुत कम टाइम की ही वीडियो है, मगर हमने बिल्कुल 100% हैंड्स ऑन बेसिस पे बात करी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, उसका जो आप अगर हैंड्स ऑन करना चाहते हैं तो वो आप हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने फ्री टायर AWS का जो अकाउंट होता है उसी पे रह के हमने उसको सेटअप किया है। तो और रिक्वायर्ड स्किल की बात कर लेते हैं, तो ये आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड स्किल्स है। और सोनार क्यूब की अगर नॉलेज आपको है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर सोनार क्यूब यूज होते हैं, और बहुत से जगह पे ये रिक्वायरमेंट्स भी होती है कि सोनार क्यूब आपको अच्छे से आना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 4 से 8 ईयर एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इफेक्टिव रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आपकी होनी चाहिए, और इफेक्टिव एनालिटिकल एंड डायग्नोस्टिक स्किल होनी चाहिए। बेसिकली ये बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की आपकी। और एजुकेशन की बात करी जाए तो बैचलर होनी चाहिए या डिग्री या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, राइट। तो ये है होने वाली आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से जाके डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। तो अब चलते हैं हम सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी की ओर, जो एयरनॉक्स की ओर से है। तो यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जो जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड होने वाली है। तो क्लाउड रिलेटेड भी हम अभी वीडियो पे काम कर रहे हैं, और अगर आप फिर भी किसी चीज़ को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो AWS क्लाउड जो है वो अपने आप में बहुत सिंपल है। और अगर आप एजियो और GCP आपका जिसमें भी एक में कमांड है तो आप उसको लीजिए,
उसके बाद सेकंड हो गया आपको नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी कंसेप्ट। और AWS परस्पेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग, मतलब कि आपका VPC बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और सिक्योरिटी कंसेप्ट के अंदर NACL जो हो गया हमारे पास टॉपिक होता है क्लाउड के अंदर, और सेकंड बात करी जाए तो सिक्योरिटी ग्रुप्स, इनकी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। और ट्रबल शूटिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के अंदर अगर कभी फेलियर हो रहा है तो वो आपको ट्रबल शूट करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो मुंबई है यहाँ पे, और मुंबई महाराष्ट्र में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हो, फीडबैक्स हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक